الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्यारे आजीज़ों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम तजवीद की असलाहत के बारे में पढ़ रहे हैं पिछली वाली क्लास में हमने तकरीब चालीस मुकम्मल कर लिया मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो एक का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और स्वाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए तो आज हम इन तजवीद की मज़ीद अ को नोट करेंगे मज़ीद असलाह को समझेंगे और उनको याद करेंगे और इन श्लाहत के टॉपिक को ख़त्म करते ही नेक्स्ट वाली क्लास में हम पहला अपना मुस्तकिल जो है टॉपिक इन शाला शुरू करेंगे तो चलिए भाई आपने हडिंग नोट कर ली है तजवीद की ज़रूरी अतलाहा यानी एसेंशल टर्म्स ऑफ तजवीज तो आज हमारी जो टर्म नंबर फोर्टी वन है उसको आप नोट करें टर्म नंबर फोटी वन हमारी आती है मिस लाइन मिस लाइन ठीक है जी मिस लाइन मिस लाइन किसे कहा जाता है भाई मिसलाइन हम कहते हैं जो मिसल हो यानी एक जैसा हो तो मिसलाइन में आप ऐसे लिखें मिसलाइन हम कहते हैं ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात में मुतहद हो ऐसे दो हरूफ जो एक तो मखरज और सिफात में क्या हो मुतहिद हो मुतहिद समझते हैं ना मुतहि हम कहते हैं एकजुट होने को एक होने को ठीक मिसलाइन किसे कहा जाता है ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात में मुतहद हो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मिसाल यहां पर लिखूंगा जैसे इ हाबाबा अब देखिए इस झहाबा में यहां पर आप देख रहे हैं दो जाल है एक दो ये जो जाल है ना ये इसकी मिसाल है अब देखिए यहां हो क्या रहा है कि ये जो जाल है ना ये इसके अंदर मर्ज हो रहा है मुदगम हो रहा है अब आप कहेंगे भाई यहां तो ईदगाम कैसे हो रहा है ये तो मिसलाइन है क्योंकि मिसलाइन जो है ना ये ईदगाम की किस्म है ईदगाम की वो तीन किस्में निकल कर आती हैं ईदगाह मिसलाइन मुतजानसिन मतकार आपने ये पढ़ा होगा तो इन शाला इसकी डिटेल से टॉपिक आएंगे इन शाह लेकिन फिलहाल इसको समझ लीजिए मिसलाइन हम कहते हैं ऐसे दो हरूब जो मखरज और सिफात में मुतहद हों अब देखिए राल और राल इनका मखरज भी एक है और इनकी सिफात भी एक है यानी इनकी सिफात जो होंगी ना वो एक ही होंगी क्योंकि तो दोनों सेम है ना लाल राल 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 चाहे राल राल कितने भी आगे हो तीन हो चार हो सिफात और मखरज तो एक ही होगा तो अब आप इसको कहेंगे ये मिसलाइन है मिसलाइन यानी हम शक्ल है आप लिखें हम शक्ल या हम सूरत यानी जुड़वा है जुड़वा है ना दाल दाल ये दोनों जुड़वा बाई है हम शक्ल है तो इनको हम कहेंगे मिसलाइन तो ये हमारी होगी टर्म नंबर फोर्टी वन उसके बाद टर्म नंबर फोर्टी टू टर्म नंबर फोर्टी टू में हम लिखेंगे मुताजानी सीन मुता जानी सीन कुछ लोग इसको मुताजानी सीन भी पढ़ते हैं सही है कोई मसला नहीं लेकिन सीन असल उर्दू के अंदर आता है इसको इंशाल्लाह देख लीजिएगा अच्छा सीन किसे कहा जाता है ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो जिनका मखरज एक हो अब देखिए इसमें सिफात का दखल नहीं है इसको ध्यान में रखिएगा बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे भाई इदगाह में मुताजान और मुता फर्क क्या है फर्क भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले आप इन टर्म्स को समझ लीजिए तो फर्क इंशाल्लाह खुद समझ में आ जाएगा मुताजानी सीन ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो यानी जिनका मखरज एक हो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसे कद तबैयना हम लिखते हैं ना ऐसे कौफ ताल जबर कद तबैयाना तबैय अब आप देख लीजिए ये जो लफ्ज है ना इसमें सबसे पहले यहां पर ये दाल साकिन आया है और बाद में आप देखेंगे यहां पर ता आया है ता मुशद ता ये कहां से निकलते है भाई ये हरूफी ना यानी इनका मखरज एक है ता दाल और तौ यह तीन हरूफ जो है ना ये एक ही जगह से निकलते हैं इनमें तौ जो है ना वो आपका मुफ्कम है यानी आपका पुर पढ़ा जाने वाला हरफ है ता और दाल जो है ना ये बारीक है तो दाल और ता जो है ना इनका मखरज क्या है एक है तो इसीलिए ये सीन कहलाते हैं ऐसे दो हरूप जिनका मखरज एक हो तो अब दाल जो है ना वो इस ता के अंदर क्या हो रहा है मर जो रहा है मुदगम हो रहा है तो हम इसको कहते हैं इदगाम में सीन यानी एक हरफ का दूसरे हरफ के अंदर इस तरह मुदगम होना कि उनका मखरज एक हो तो यहां पर कद तबयना में क्या है कि हम यहां पर जब इसको पढ़ते हैं ना हम पढ़ते हैं कद तबैयना टा बना तो हम दाल को आगे ताक के अंदर क्या कर देते हैं मुदगम कर देते हैं तो इसको इस टर्म को कहा जाता है मुताजानी सीन बात यहां तक क्लियर होगी तो मजीद इंशाला इसकी डिटेल आने वाली क्लासेस में आ जाएंगी अच्छा उसके बाद हमारी जो तीसरी टर्म है टर्म नंबर फोर्टी थ्री वो है मुताबीन मुता, कारिबीन। मुता कारिबीन। ठीक या जो है ना ये भी की एक किस्म है में क्या होगा कि ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात के एतबार से करीब करीब हो अब ये देखिए इससे पहले हमने क्या लिखा इससे पहले हमने लिखा मिसलाइन में कि ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज और सिफात जो है जिनकी मखरज और सिफत एक जैसी हो मुतहिद हो उसमें और ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो लेकिन अब में क्या हो कि इनका जो मखरज और सिफा जो होंगी ना वो उनके एतबार से ये करीब करीब होंगे ऐसे दो हरूफ तो आप इसको लिखें हरूफ जो मखरज और सिफात के एतबार से करीब करीब हो अ करीब करीब बीन से आपको करीब करीब का र्जुमा समझना है ठीक तो ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात के एतबार से क्या हो करीब करीब हो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा अब देखिए नून और या क्या नून और या का मखरज एक जैसा है नहीं नून आपका अलग अलग आता है लाम रॉ और नून ठीक और या आपका कहां आता है हवाइया में आता है लेकिन मैं यंगों में क्या हो रहा है कि यहां पर नून और या जो है ना ये सिफात और मखरज के एतबारे करीब करीब है करीब करीब है एग्जैक्टली exactly इनका मखरज जो है ना नून का मखरज अलग है नून और या का मखरज अलग है लेकिन एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है कि यहां पर मखरज और सिफात के एतबार ये करीब करीब है तो इन ऐसे हरूफ को हम कहते हैं मोतकारबीन बात क्लियर होगी तो इन एग्जांपल्स को आप नोट करके रखें इंशाल्लाह मजीद जब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स कुरान से भी आपको दी जाएगी तो टर्म नंबर फोर्टी थ्री थी हमारी उसके बाद टर्म नंबर फोर्टी फोर वो आप लिख लीजिए खेशुम 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 हम कहते हैं नाक का अंदरूनी हिस्सा नाक का अंदरूनी हिस्सा या हम कह सकते हैं नाक का बांसा नाक का जो बांसा होता है ना यानी जो न दो नखरों के बीच में जो हड्डी होती है ना उसको खेशुम कहा जाता है और अमूमन हम जब इखफा करते हैं गुना करते हैं तो नाक के बांसे से हम उसको अदा करते हैं तो इस टर्म को आप लिख लीजिए इंशाल्लाह तजवीद में इसका भी दखल है तजवीद में यह नाम भी आएगा तो आप परेशान ना हो कि ये खेशूम क्या चीज है तो खेशूम नाक का अंदरूनी हिस्सा या नाक का बांसा कहलाता है या दो न, दो दोनों नथरों के बीच की हड्डी को खेशूम कहा जाता है क्लियर होगी बात चले उसके बाद टर्म नंबर फोर्टी फाइव वो हो गया हमारा गुन्ना ये जो गुन्ना है ना ये गिन से है एक होता है गाफ से गुना वो होता है सिन जैसे गुना करना वो गाफ वाला है और गाफ अरबी जुबान के अंदर है नहीं तो ये जो गुन्ना है ना गुन्ना किसे कहा जाता है नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना कहा जाता है नाक में आवाज लेने को गुन्ना कहते हैं या वो आवाज जिसका मखरज नाक हो यह भी आप लिख सकते हैं सिंपल अपनी जुबान में लिख सकते हैं कि अग... वो आवाज जिसका मखरज नाक हो यानी नाक से निकाली जाने वाली आवाज वो आवाज जो नाक के नथनू से निकले जो वो आवाज जो नाक के नथनु से निकले तो खेशुम और गुन्ना का बड़ा ताल्लुक है आपस में इसीलिए मैंने पहले ये लिखवाया और बाद में ये खेशुम हम कहते हैं नाक के अंदरूनी हिस्से को यानी जो हमारी अंदर जो भाषा होता है ना खाली एम्प्टी स्पेस उसको कहा जाता है और गुन्ना जो है ना गुन्ना किसे कहा जाता है जो यानी जो नाक में आवाज लेते हैं फॉर एग्जाम्प हमने नून में गुन्ना कर दिया जैसे इसी से तो नून में हम देखते हैं ये मुशदा आपको मिलता है और गुना का ताल्लुक भी आपको देखेंगे वो शद शद जब होगी कहीं पर तभी आपको गुना भी मिलेगा क्लियर होगी बात तो ये हमारी यहां तक आ गई फोर्टी फाइव उसके बाद फोर्टी सिक्स ये हमारी आती है इदगा शफवी द गफवी ठीक है ना इदगाम शफवी किसे कहा जाता है बिल्कुल आसान है इसमें मीम साकिन के कवायद होते हैं ये मीम साकिन के रूल्स हैं। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम मुतहरक आ जाए मीम साकिन के बाद दूसरी मीम मुतहरिक आ जाए चाहे फिर वो मुशद्दद हो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मीम साकिन के बाद अगर मीम मुताहरिक आ जाए तो पहली मीम को दूसरी मीम में मुदगम करना तो पहली मीम को दूसरी मीम में मुदगम करना क्या कहलाता है इदगाम शफावी कहलाता है बात क्लियर होगी फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे जैसे वकम जैसे व कम विन अब देखिए इसमें हो क्या रहा है यहां पर ये पहला वाला मीम जो है ये क्या है मीम साकिन है और बाद वाला मीम जो यहां पर है ये जेर के साथ है तो इस मीम को हमने इस मीम के अंदर मिलाना है और होना भी होगा क्या इदगाम होगा यानी मर्ज हो गया व कम मिन व कम मिन या इसी तरीके से हम पढ़ते हैं ऐसे फाहुम फम मुको माहून फाहम तो अब यहां पर मीम जो है ना इस मीम साकिन के बाद मीम मुशद आ रहा है मुतहरिक है तो इस मीम को हमने इस मीम के अंदर मर्ज कर दिया तो ये बन गया फ़ाहुम को बात क्लियर होगी तो इस तरीके से आपने ये चीज समझ लेनी है अच्छा उसके बाद फोर्टी सेवन इसी की दूसरी किस्म आती है सॉरी इखफा शफवी शफवी ये था इदगाम और दूसरा हमारा आता है हैफवी शफी कहा जाता है मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो उस सूरत में मीम साकिन को उसके मखरज में छुपा कर अदा करना ठीक है ना तो हम सिंपल लिखेंगे मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए सिंपल लिखें तो वहां पर क्या होगा वहां पर फ शफफी होगा यानी मीम साकिन के बाद जब हर बा आ जाए तो उस सूरत में मीम साकिन को उसके मखरज में छुपा कर अदा करना जैसे हम ए, मिसाल लेंगे अलई अब देखिए अलई क्या हुआ अलई मीम साकििन ठीक उसके बाद अलई कुंभ बेवकील अलह जो है ना

बिहजारे मिन सजील पढ़ते हैं ना टर्मيهم बिहजारे टर्मيهم वहां पर क्या है मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो हम मीम साकिन के आ, आ, उस आ, उस क्या कहते हैं उसको, उस, उसको, उसको उसके उसके उसको उसके मخرج को हम कहां छुपाते हैं हाँ उस बा में तो हम पढ़ते हैं टर्मيهم बिहजारे मिन बात क्लियर होगी तो ये हमारा हो गया इखफा शफवी उसके बाद हमारा इजहार शफवी इजहार शफवी बिल्कुल आसान है इसमें क्या होगा कि मीम साकिन के बाद अगर हरफ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ आ जाए ठीक मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ आ जाए ठीक तो क्या होगा तो इजहार शफवी होगा फॉर एग्जाम्पल बा और मीम इन दोनों के अलावा जितने हरूफ हैं हरूफ तहजी यानी हमारे ट्वेंटी नाइन हरूफ है ना उनमें से बा और मीम को छोड़कर जो बाकी हरूफ आ जाएंगे ना तो वहां पर क्या होगा वहां पर हमने मीम साकिन को उसके मखरे से जाहिर करके पढ़ना है हमने क्या करना है उस सूरत में कि मीम साकिन को उसके मखरज से जाहिर करके पढ़ना है तो अब आप देख लीजिए हमने इससे पहले देखा कि इदगाम शफवी में अगर मीम साकिन के बाद मीम मुतहरक आ जाए तो वहां पर क्या होगा वहां पर आपने पहली मीम को दूसरी मीम में मदगम करना है एक फा शफी में मीम साकििन के बाद हार फिर बा आ जाए तो उसको आपने उसके मखरज में छुपा लेना है और उसके बाद इजहार शफवी में अगर बा और मीम के अलावा कोई आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल ता है दाल है तो है सीन है मीम है सॉरी मीम नहीं है लाम है नून है वगैरह वगैरह यानी जो बाकी है तो उस सूरत में क्या करना है उस सूरत में मीम साकिन को उसके मखरज के साथ जो है ना जाहिर करके पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है अलम मीम साकिन आ गया ना अगर मीम साकिन के बाद मीम होगा ना तो यहां पर क्या होगा इदगाम शफी होगा अगर मीम साकिन के बाद बा होगा तो इकवा शफी होगा लेकिन अगर मीम के अलावा कोई और हो फॉर एग्जाम्पल नून हो तो हम पढ़ेंगे ऐसे अलम शरा सौदरा पढ़ते हैं ना हम पढ़ते हैं ना अलम तो मीम को हम जाहिर करते हैं हम नहीं करते अलम और अखबा की सूरत हम नहीं बनाते बल्कि इजहार अलम न शरा तो मीम को हम जल्दी से अदा करते हैं जाहिर करके पढ़ते हैं न शरा फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता है ऐसे अलम मशरा फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं ठीक है ना ये आयत नहीं है अलम मशरा तो हम पढ़ते अलम मशरा तो ऐसा नहीं होगा यह असल में अलम नशरा तो नून यहां पर है ना तो इस वजह से मीम को हमने जाहिर करके पढ़ा तो यह क्या था हमारा यह था हमारा इजहार शफावी उसके बाद हम चलते हैं टर्म नंबर फोर्टी नाइन ये सारी टर्म्स इंशाल्लाह इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको वाट्सअप चैनल पे मिल जाएगी जिन्होंने वाट्सअप चैनल को अभी तक जो है ना फॉलो नहीं किया है उसको फॉलो करें इंशाल्लाह उसमें इस क्लास के रिलेटेड आपको तमाम नोट्स मिल जाते हैं अगर किसी ने अभी तक जो है उसको फॉलो नहीं किया है तो इंशाल्लाह लिंक उसको जो है ना लाइव चैट में मिल जाएगी तो जल्दी से उसको फॉलो करें और बाद में इंशाल्लाह इसकी पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी अच्छा उसके बाद हमारा आएगा हरूफ ममदूदा मदूदा हरूफ ममदूदा किसे कहा जाता है वो हरूफ जिन पर मद हो वो हरूफ जिन पर मद हो फॉर एग्जाम्पल जैसे जा आ ठीक इसी तरीके से जा आ है ना यानी इज़ा हम पढ़ते ना इज़ा जा जर तो जा पर क्या है? एक मद है ना तो उसको हम कहेंगे हरोफ ममदूदा यानी जिस हरफ के ऊपर मध हो उसे हरोफ ममदूदा कहा जाता है क्लियर होगी बात उसके बाद हमारी टर्म नंबर इबदाल इबदाल हम कहते हैं बदलने को क्या बदलना चेंज करना तब्दील करना अब इसमें इबदाल में क्या होता है कि दूसरे हमजा को माकबल हरकत के मुआफिकरफ में बदल देना अब हमजा हा से आप लिखिए ऐसे लिखें ठीक है ना दूसरे हमजा को इसमें दो हमजा का दखल होगा इसलिए हमने यहां पर लिखा कि दूसरे हमजा को माकबल हरकत के मुआफ ठीक दूसरे हमजा को माकबल हरकत के मुआफ ठीक इसको लिखने की जरूरत नहीं है इनशाला व्हाट्सएप चैनल पे आपको ना पूरा ये मिल जाता है सिर्फ आपने यहां आप पर ध्यान रखना है कि ये है क्या चीज ये टर्म्स आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जब हम इनशाला डिटेल्स इसको पढ़ेंगे तो इन टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी तो दूसरे हमजा को माकबल हरकत के मुआफ क्या करना माकबल माकबल हरकत के मुआफ हरफे मद्दा में बदलना इसे कहा जाता है इबदाल अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अल आना अल आना है ना तो ये आपका बनेगा अल आना इसी तरीके से हमारे पास है अल्लाह अल्लाह है फॉर एग्जाम्पल तो हम पढ़ेंगे उसको अल्लाह बात कर तो हमजा पर आपने यहां पर फिर खड़ी जबर लगानी होती है तो ये बदल जाता है क्योंकि तो पिछले वाली जो हरकत होती है ना उसके मुआफिक हरकत में तब्दील हो जाता है तो उसको हम इबदाल कहते हैं ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा फिलहाल आप उसको ऐसी नोट कर लीजिए इनशाला जब इसका टॉपिक आएगा बाजाबाद उसमें इनशाला आपको समझ में आ जाएगी चले क्लियर हो गया उसके बाद हमारी जो टर्म नंबर फिफ्टी वन है वो आती है सप्ताह इसका ताल्लुक वक्फ के वक्फ के साथ है फिफ्टी वन सकता सकता जो है ना ये वक्फ का एक सिंबल आपको मिलता है इस पर आपने क्या करना होता है किसी हरफ पर सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए आवाज को रोक लेना ठीक और ये आपको बहुत सारी सुरु के अंदर मिलता है सोरे मुतफि के अंदर भी आपको ये मिलता है ठीक है ना किसी हरफ पर सांस तोड़े बगैर कुछ देर के लिए आवाज को रोक लेना वो आपका सख्ता कहलाता है जैसे हमारे पास है कल्ला बल और उसके बाद आपको सख्ता मिलता है फिर आगे है रौना तो अब आपने क्या करना है कल्ला बल रौना कोलू बेहिम कल्ला बल रौना अब बल पर जब आप रुकेंगे ना तो आपने सांस को छोड़ना नहीं है एक तो हम करते हैं वक्त की सूरत में हम सांस को छोड़ दे देंज अलहमदिल्ला सांस छोड़ दिया और तो वो सिंपल वक्फ है लेकिन सख्ते में आपने क्या करना होता है कि आपने सांस को तो तोड़ना होता है लेकिन आवाज़ को रोक के रखना होता है ठीक है ना सॉरी सांस को जो है ना तोड़े बगैर किसी हड़ब पर सांस तोड़े बगैर यानी सांस नहीं तोड़ना होता बल्कि आवाज़ को थोड़ा सा आपने साइलेंट करना होता है सांस आपने वही पिछला वाला बरकरार रखना होता है जो आप पढ़ते आ रहे हैं पीछे से तो उसको हम कहते हैं सख्ता बात क्लियर होगी चले उसके बाद फिफ्टी टू मध मध से आप वाकिफ हैं मध किसे कहते हैं हरफ को उसकी असली मकदार से लंबा करके पढ़ना हरफ को उसकी असली मकदार से लंबा करके पढ़ना जैसे फॉर एग्जाम्पल एराजा नसर वाल्फा तो वहां पर हम मध करते ना उसको खींचते हैं और इसके मुकाबले में हम यहां पर लिखेंगे कसर कसर किसे कहते हैं कसर हम कहते हैं शॉर्टनेस को ठीक शॉर्टनेस शॉर्टनेस क्या होता है भाई जिसकी मेदार बहुत कम हो यानी हरफ को उसकी असली मकदार जितना पढ़ना इसके मुकाबले में आप लिख सकते हैं हरफ को उसकी असली मकदार से पढ़ना हरफ को उसकी असली मकदार जितना पढ़ना ठीक फॉर फॉर एग्जाम्पल है अलहमदु अब अलहमदु को कैसे पढ़ेंगे अलहमदु पढ़ेंगे ना आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे अलहमदु तो इसमें आप मद नहीं करेंगे ना तो इसको हम कहेंगे कसर ठीक है ना ये एक इसकी डेफिनेशन है क्लियर हो गया चलिए उसके बाद हम लिखेंगे माक़बल मा कबल एक टर्म आएगी तजवीज के अंदर बार 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 तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखवाना जरूरी है मा कबल किसे कहा जाता है यानी हरफ से पहले वाले हरफ को माकबल कहते हैं हरफ से पहले वाले हरफ को हरफ से पहले वाले हरफ को, को माकबल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे अलम अलम लिखा मैंने मैं अगर आपसे पूछूं भाई मीम का माँ कबल क्या है मा कबल हम कहते हैं पहले वाले को तो मीम का माँ कबल लाम है अब अगर मैं पूछूं कि लाम का मा बाद क्या है मा बाद इसका मीम है तो इसके मुकाबले में मा बाद आएगा ठीक है ना टर्म नंबर फिफ्टी फाइव बाद किसे कहते हैं यानी हरफ हरफ से हरफ के बाद वाले हरफ को मा बाद कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अलम है ना लाम का मा बाद किसे कहा जाएगा इस मीम को कहा जाएगा और मीम का मा कबल किसे कहा जाएगा इस लाम को कहा जाएगा बाजत हम पूरे वर्ड को लाते जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जैसे हम पढ़ते हैं इन्ना अल्लाह मैं अगर आपसे पूछूं भाई अल्लाह का माकबल क्या है मैं पूरे अल्लाह का नाम ले रहा हूं ना तो अल्लाह का माकबल कबल इन्ना है और इन्ना का मा बाद क्या है अल्लाह है तो कभी हम पूरे वर्ड को ये इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर मैं अल्लाह के अंदर इस इसमें पूछूं कि अल्लाह के बीच वाले लाम का माकबल क्या है तो आप कहेंगे ये लाम वाला ये लाम तारीफ अल्लाह के बीच वाले लाम का मां बाद क्या है तो आप कहेंगे ये हा क्लियर होगी बात तो ये मां कबल और माँ बाद की तारीफ है ये एक टर्म है ये आपने याद रखनी है क्योंकि तजवीज में इसका बार बार जिक्र आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये पढ़ाना जरूरी है अच्छा उसके बाद हमारी फिफ्टी सिक्स वो होगी वसल वसल किसे कहा जाता है वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ने को ठीक मिलाकर पढ़ने को फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ना हम जब कोई सूरत शुरू करते हैं या हम पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं आउद बिल शे कौन फिर हम रुकते हैं सांस रोकते हैं उसके बाद बिसमिल रहीम तो हमने वक्फ़न इसको पढ़ा वसल हम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आउदि शेजी बिसमिल रहीम तो एक ही सांस में मैंने आउजु बिल्ला और बिस्मिल्ला दोनों को पढ़ा तो हम कहेंगे मैंने वसलन इसको पढ़ा तो वसल हम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को बात क्लियर होगी हाँ उसके मुकाबले में फिफ्टी सिक्स वक्फ कैसे वक्फ कहा जाता है कलमे के आखिरी हरफ पर सांस और आवाज दोनों को रोक लेना ठीक ना कलमे के कलमे के आखिरी हरफ पर सांस और आवाज दोनों को रोक लेना क्या कहलाता है वक्फ कहलाता है अब ये जो सांस आप रोक रहे हैं ना ये आप उमून देखेंगे जब कहीं पर भी कोई जबर जेर हो पेश हो तो जब आप रुकेंगे वहां पर सांस और आवाज को रोकेंगे तो वो वक्फ कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल अलहमद लबिल आलमीन तो आलमीन पर जब आप रुकते हैं ना तो आप क्या पढ़ते हैं आलमीन तो नून पर आप रुकते हैं ना तो नून की हरकत को आप अदा नहीं करते हालांकि नून पर वहां पर जबर होता है तो आप वहां पर वक्फ करते हैं तो इसको वक्फ कहा जाता है क्लियर होगी बात चले उसके बाद इसके मुकाबले में फिफ्टी एट हो गया मोकूफ अलई मोकूफ अलई मोकूफ अलई कहते हैं जिस हरफ पर वक्फ किया जाए जिस हरफ पर वक्फ किया जाए फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी सुर फातिहा की पहली वाली आयत अलहमद रब्बिल आलमीन के नून पर वक्फ किया जब मैंने नून पर वक्फ किया ना तो यह नून आपका मौकूफ अले कहलाएगा क्या कहलाएगा मौकूफ अले कहलाएगा यानी इस पर वक्फ करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ना वल असर वल असर का जो रॉ है ना इस पर जब हम वक्फ करेंगे तो हम कहेंगे ये रॉ मौकूफ है यानी रॉ जो है ना ये मोकूफ अलई है क्योंकि हमने रॉ पर वक्फ किया यानी जिस हर पर आप वक्फ करेंगे ना उसे क्या कहा जाएगा मोकूफ अलई कहा जाएगा बात कर चले। उसके इब्तिदा।, इब्तिदा किसे कहते हैं शुरुआत करने को यानी अब आप इब्तिदा के बारे में याद रखें कि जिस कलमे पर वक्फ किया उससे आगे पढ़ने को इब्तिदा कहते हैं जिस कलमे पर वक्फ किया जिस कलमे पर वक्फ किया उससे आगे पढ़ने को क्या कहते हैं इब्तिदा कहते हैं उससे आगे पढ़ने को इब्तिदा कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अलहदुल्ला रब्बिल आलमीन पढ़ा अब हमने यहां पर वक्फ किया उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं अर रहमान रहहीम तो हमने अर रहमान से फिर इब्तिदा कर दी बात क्लियर होगी तो अब यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर जब आप वक्त करेंगे ना तो आप अर रहमान अर्रहमानी पढ़ सकते हैं वहां से इब्तिदा कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां से आप इब्तिदा नहीं कर सकते बीच में जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम एक टर्म लिखेंगे वो होगी ए आदा हम कहते हैं दोहराने को दोहराना इया� रिपीट करना ठीक दोहराना तो एधा हम दोहराने को कहते हैं यानी जिस कलमे पर वक्फ किया यादे के बारे में ज्यादा आपने ख्याल रखना होता है कुरान के अंदर क्योंकि बाज अवकात आदा न करने की वजह से माना के अंदर बड़ी तब्दीली हो जाती है यानी जिस कलमे पर वक्फ किया रबते कलाम के लिए उससे या उससे पहले वाले कलमे से पढ़ना वह आपका अदा कहलाता है ठीक तो मैं यहां पर लिखूंगा रबते कलाम के लिए रबते कलाम हम कहते हैं यानी जो उस आयत के अंदर ना आपस में उनका एक रब्त हो रबता हो या मानवीय एतबार से लफ्जी एतबार से कोई उनका आपस में एक ताल्लुक हो तो उसको हम रबते कलाम कहते हैं ठीक है तो जिस कलमे पर वक्फ किया रबते कलाम के लिए उससे या उससे पहले उससे पहले क्या करना उससे या उससे पहले कलमे से पढ़ना या शुरू करना उसे या उससे पहले कलमे से पढ़ना क्या कहलाता है यादा कहलाता है फॉर एग्जाम्पल आप आयत पढ़ते हैं या अयोहदीना आमनु ला तकर आयत है सूर न के अंदर या अयोहदीना आमनु ला तकरबुस सलाह अगर आप ये आयत पढ़ेंगे ना और आपने वक्फ किया और फिर आपने आगे से शुरू किया इब्तिदा की तो माना के अंदर बड़ी चेंज होगी इसका माना है ए ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ नमाज के करीब मत जाओ तो जब आपने इतना कहा तो आप इसका माना क्या लेगा और अगर किसी और ने सुना भाई अल्लाह कह रहे हैं कि नमाज के करीब मत जाओ ऐसा है नहीं ऐसा तो नहीं है अल्लाह तो बार बार कुरान में नमाज का हुक्म दे रहा है कि आप नमाज कायम करो लेकिन यहां पर अगर आप इतना पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने कहा कि आप नमाज के करीब मत जाओ लेकिन नहीं आगे एक रब कलाम है रबत कलाम से मुराद यानी एक मानवी ताल्लुक है आगे क्या कि आप नमाज की न, नमाज के करीब मत जाओ कब मत जाओ उस सूरत में जब आप क्या हो नशे की हालत में हो वह अंग तुम सकारा फिर जब आप पूरा पढ़ेंगे ना या यादी आमन तकर वंग तुम सुकारा तो वह अंग तुम सकारा जो है ना ये आपने लाजमन फिर पढ़ना है अगर फॉर एग्जाम्पल अला पर आपका वक्फ हो गया यानी सांस टूट गया या वक्फ इस हो गया खांसी आ गई कुछ हो गया तो अब आपने क्या करना है आपने व अंतुम सुकारा से शुरू नहीं करना है तो उसको इब्तदा कहेंगे तो उसमें रबत कलाम का ताल्लुक उस वो नहीं रहा फिर लेकिन जब आप पढ़ेंगे आयत को या आमनु ला तक़रबुस तक्रबला तो आपने यहां पर वक्फ किया अब आपने आगे तो पढ़ना है ना लेकिन कैसे पढ़ेंगे या करेंगे दोहराएंगे किसको दोहराएंगे फिर आप आगे या पूरी आयत को पढ़ें या या पढ़ेंगे ऐसे ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं बातें यहां तक क्लियर होगी तो ये क्या थी हमारी ये था हमारा आदा। ठीक है जी उसके बाद एक और लेते हैं हम जैसे वक्फ बिल-इस्कान ठीक वक्फ बिल-इस्कान वक्फ बिल-इस्कान कहते हैं जिस कलमे के आखिरी حرف पर वक्फ किया उसको साकिन कर देना जिस कलमे के आखिरी حرف पर आप इसको लिखें जिस कलमे के आखिरी हरफ पर वक्फ किया उसको साकिन कर देना यानी उसको आर्जी सुकून देना और ये वक्फ जो है ना ये तीनों हरकतों यानी जबर जेर पेश इन तीनों में होता है फॉर एग्जाम्पल अलहमद ल आलमीन तो आलमीन के नून के ऊपर जबर है ना लेकिन हम क्या पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो नून को हम क्या बना देते हैं आरजी सुकून दे देते हैं ठीक है ना नून साकिन कर देते हैं तो हम उसको वक्फे बिल इस्कान कहते हैं अब बहरहाल इसमें फिर वो मध्य आरिज वगैरह आ जाता है इंशाल्लाह वो आगे हम डिटेल से देखेंगे लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि वक्फे बिल इस्कान कहते हैं कि जिस आखिरी हरब पर हमने वक्फ किया फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा हमने पढ़ा है ना व है असल में असल में नून के नीचे जेर है ना लेकिन अगर हम पढ़ेंगे व तो हमने इस नून को साकिन कर देना है तो हम इसको वक्फ बिल इस्कान कहेंगे बात क्लियर होगी तो चाहे जबर हो जेर हो पेश हो तो उसको आपने आरजी सुकून में कन्वर्ट कर देना है उसको हम वक्फे बिल इस्कान कहते हैं क्लियर होगी बात चलिए उसके बाद हमारा आता है वक्फ बिर

यानी जेर का तिहाई हिस्सा पढ़ना है और अमूमन जेर और पेश में होता है चाहे पेश हो चाहे जेर हो जबर में नहीं तो जेर या पेश को आपने उसका तिहाई हिस्सा पढ़ना होता है तो वो आपका वक्फे बिल राउम कहलाता है अब इसको छोड़ दीजिए सिर्फ लिख कर रख लीजिए क्योंकि इसको डिटेल से आपने पढ़ना ही ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है ठीक है ना इसी तरीके से हमारे पास है वक्फे बिल इशमाम वक्फल इश्माम इसको भी लिखकर रख लीजिए वक्फ बिल इश्म में क्या होता है कि जिस कलमे के आखिरी हर पर वक्फ किया उसको साकिन करके होठों से पेश की तरफ इशारा करना और यह सिर्फ पेश में होता है और आप देखेंगे सॉरी यूसुफ खोलकर देखेंगे ना वहां पर एक लफ्ज आता है लाता ठीक लाता मनूना तो आप वहां पर क्या है कि वहां पर इन दोनों नून को एक करके ता मनूना पढ़ा जाता है यानी हम पढ़ते हैं मनायू सुफ यू सुफ तो हम वहां पर होटों को गोल करते हैं बिना आवाज निकाले तो उसको हम वक्फ बिल इशमाम कहते हैं और इमाम हफ्स आसिम की रिवायत के मुताबिक हम इसी एक लफ्ज में ये चीज करते हैं ठीक है ना मजीद इंशाला इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा तो ये हमारी थी टर्म नंबर सिक्सटी थ्री उसके बाद टर्म नंबर सिक्सटी फोर हरूफ कमरिया ठीक हरूफ कमरिया हम किसे कहते हैं भाई जिन हरूफ से पहले लाम तारीफ पढ़ा जाए जिन हरूफ से पहले लाम तारीफ को पढ़ा जाए फॉर एग्जाम्पल जैसे अल कलम अल किताब ठीक इसी तरीके से कलम है अल किताब है इसी तरीके से अल कुरआन अल कुरआन या अल मदीना अल मदीना तो इसमें हो क्या रहा है इसमें हम इस्लाम 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 और इस्लाम को पढ़ रहे हैं लाम तारीख को पढ़ा जा रहा है और इसके मुकाबले में क्या आएगा इसके मुकाबले में आएगा हरूफ शमसिया ठीक हरूफ शमसिया अच्छा हरूफ कमरिया जो है ना इनकी तदाद जो है ना वो आपको फोर्टीन मिलेगी लेकिन इनका एक मजमु है हरूफ कमरिया का एक मजमु है वो क्या है अब हज का वखफ वखफ अकीमा ये इनकी एक जो है ना मजमु बताया जाता है तो इसको आप लिखें ऐसे अब गैन है अब का, वख़फ हज अकीमा, ठीक अकीमा। तो अब आप देखिए यहां पर इसमें क्या रहा है हमजा है बा है आपकी हरोफ कमरिया है और हरूफी शमसिया किसे कहा जाता है वो हरूफ जिनसे पहले लाम तारीफ ना पढ़ा जाए लाम तारीफ ना पढ़ा जाए फॉर एग्जाम्पल अशमसु अशम्सो में नहीं पढ़ा जाता इसी तरीके से अनजमो या करोगी बात तो इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है यहां पर आप अल कलम पढ़ रहे हैं यानी आप हमजा को भी पढ़ रहे हैं और लाम को भी पढ़ रहे हैं अल किताब हमजा लाम दोनों को पढ़ रहे हैं अल अल हमजा लाम दोनों को पढ़ रहे हैं लेकिन हरूफी शमसिया में अशम इस लाम को आप नहीं पढ़ रहे आप हमजा को शीन के साथ मिला रहे हैं इसे इस अन नजम तो इस हमजा को नून के साथ मिला रहे हैं अन नजम इसे, इसे असाकिब इस साल के के साथ मिला रहे हैं लाम को नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन अगर इनसे पहले कोई और हरफ आ जाए तो आप क्या करते हैं कमरी से पहले अगर कोई आ जाए ना तो आप फिर क्या करेंगे आप इस हमजा को नहीं पढ़ेंगे लाम को पढ़ेंगे जैसे अल कलम है तो आप पढ़ेंगे वल कलम वाव को लाम से मिलाएंगे लेकिन अगर इससे पहले वाव आ गया तो आप अलफलाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे पढ़ते हैं ना इसी से व इजा हवा इसी से वाकिब

सिक्सटी सिक्स टर्म नंबर सिक्सटी सिक्स आपकी आती है तरतील तरतील ये तीन आती है तरतील सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्सटी एट तरतील हदर और तदवीर तरतील हदर और तदवीर इसको समझ लीजिए देखिए तरतील हम कहते हैं कवायद तजवीद के मुताबिक ठहर ठहर कर पढ़ना कुरान तरतीला यानी कुरान को तजवीद के साथ कवायद तजवीद के मुताबिक ठहर ठहर कर पढ़ना वो आपका तरतील कहलाता है उसके बाद हदर जो है ना हदर हम कहते हैं कवायद तजवीद के मुताबिक जल्दी जल्दी पढ़ना और ये जो हदर हम उमून देखते हैं ना ये हम तरावी के अंदर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान अलहदिल्लाबीन रहीम मालिक यौमिद्दीन इसमें भी लेकिन कवायद का जो है ना ख्याल रखना है ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ेंगे कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है मद कहीं और जारी है जेर जबर में फ़र्क नहीं हो रहा है तो उसको हदर नहीं कहा जाएगा लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आजकल जो हमारे हफाज है ना जो तरावी पढ़ाते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते वो हदर से कुरान नहीं पढ़ते हदर का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े अलमद अकबर नहीं ये तो कुरान का हक़ अदा नहीं आप कर रहे ये नमाज़ तो बन्धु को पसंद नहीं आ रही है तो रब को क्या पसंद आएगी ये नमाज जो है ना काले कपड़े में प्लेट के मुंह पे फेंक दी जाएगी तो इस तरीके से आप इससे जो है परहेज़ करें अगर कोई हाफिज कोई कारी ऐसी किरात कर रहा है तरावी के अंदर तो इससे बच लीजिए बच अपने आप को बचा लीजिए ये बड़ा ही शदीद गुना है अच्छा हदर हम कहते हैं यानी कवायद तजवीद के मुताबिक जल्दी जल्दी पढ़ना अब इतना जल्दी पढ़ना ताकि उसमें हरूफ ना बिगड़े अगर हरूफ बिगड़ गए ज़बर ज़ेर में गलती हो गई तो वो हदर नहीं कहलाएगा वो कोई और टर्म होगी उसका इलम मुझे नहीं है वो कौन सी टर्म होगी वो कौन सी टर्म आपने निकाली है लेकिन हदर हम कहते हैं कवायद तजवीद के मुताबिक जल्दी, जल्दी जल्दी पढ़ना कि जिससे हरूफ ना बिगड़े जिससे हरूफ ना बिगड़े ठीक बात क्लियर होगी उसके बाद आती है आपकी तदवीर तदवीर हम कहते हैं तरतील और हदर की दरमियानी हालत यानी दरमियानी रफ्तार में पढ़ना जो हम उम्मन फर्ज नमाजों में पढ़ते हैं यानी जो अमूमन हम नमाजों में पढ़ते हैं अलहमदिल्लामीन ये हो गया तदवीर और हदर होता है तेज तेज अलहमदिलबीम़ीम तो ये आपकी हदर होती है लेकिन इसमें तजवीद का ख्याल रखना होता है उसके बाद तरतील हम कहते हैं जो मजलिस के अंदर आप देखते हैं ना मजलिस के अंदर जो क़िरात होती है मजलिस के अंदर जैसे क़ुरा हजरात जब कहीं मुसबे में बैठते हैं तो वहां पर तिलावत करते हैं मिनश शैतानिर रजीम फिर रुकते हैं सांस लेते हैं अच्छे से بسم الله الرحمن الرحيم तो फिर ये होती है तिलावत फिर आगे आप शुरू करते हैं कोई सा पढ़ते हैं वी व तु फिर आप जो भी खैरत आगे करना चाहें तो तरतील हम कहते हैं जो बैठक में कहीं पर आप आराम से किसी जो है ना प्रोग्राम में करते हैं उसको तरतील कहा जाता है होगी अच्छा एक और चीज के बारे में आपको बता दूं तरतील हदर और तदवीर के बारे में सबसे पहला तरतील हमारा है इसके बारे में याद रखें कि मखारज और सिफात की रियायत करते हुए ठहर ठहर कर पढ़ना इसको तहकीक कहा जाता है तरतील का एक और नाम है तहकीक ठीक और इसी को तरतील भी कहा जाता है यानी मखारज और सिफात की रियायत करते हुए ठहर ठहर कर पढ़ना इसमें आपने मखारज का भी ख्याल रखना है सिफात का भी ख्याल रखना है तब जाके आप जो है सही तरीके से तिलावत कर सकते हैं

तो ये आपकी क्या होती है आपकी होती है तदवीर तो तरतील आहिस्ता पढ़ना हदर यानी जो है क्या कहते हैं इसको थोड़ा तेज रफ्तार में पढ़ना लेकिन तजवीर का ख्याल रखना हरूफ ना बिगड़े और तदवीर हम कहते हैं तरतील और हदर की दरमियानी वाली हालत जो आम फर्ज नमाजों के अंदर पढ़ी जाती है ठीक अच्छा उसके बाद एक और टर्म हमारी आती है इसको आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखें वो है तुरुक तुरुक जो है ना ये तरीक की जमा है तरीक और तरीक का माना होता है अरबी में रास्ता ये आपने पढ़ा है तुरक तरीकी जमा है बात क्लियर होगी और कुर्रा की असला में जो इसका माना है ना वो आता है रुआध। रुआध। ये की इसलाह में इसका माना है वैसे तो इसका माना होता है तरीक का माना होता है रास्ता लेकिन कुर्रा की इस्तला इसको रुआत कहा जाता है यानी रावियों के बाद मशाई कुरा में जो फरोखिलार जरूरी अख्तिलाफ़ हुए उनको तुरु से ताबिर किया जाता है अब एक और चीज़ इसमें याद रखें इनशाला इस तुर्क के हवाले से ये अपनी नॉलेज के लिए याद रखें ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाने वाला इनशाला आगे जब एडवांस हम शुरू करेंगे उसमें ये बातें आएंगी अख्तलाफात आएंगे जो किरात हमारी है साथ मुतवा उसके बारे में इंशाला डिटेल से बात होगी कैरात इमाम आसम ब रवायत हफ्स में दो तुर्क मशहूर हैं यानी यानी हमारे यहाँ जो करात होती है ना वो कैरात इमाम आसम ब रवायत हफ्स राइज है और उसके दो तरीके हैं एक है तरीक़ जजरी और दूसरा तरीक़ शातबी जिसका हम तुर्क जज़री और तुर्क शातबी भी कहा जाता है और अहल अरब जो है ना वो तरीके जजरी में पढ़ते हैं और अहल अजम जैसा कि हम है ना हम तरीके शातबी में पढ़ते हैं यानी बरसीर यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिवायत हफ्स बत तरीक़ शा एक तो पढ़ी भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है क्लियर होगी बात तो अपनी नॉलेज के लिए इनशाला इसको याद रख लीजिएगा तो अलहदुल्लह आज हमने ये सिक्सटी नाइन तक मुकम्मल कर दिए कि जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कुछ सेवेंटी हमारी ये टर्म्स हैं इन इनको आप लिख लीजिए तो आज हम अलहमदिल्ला हमने ये सारी टर्म्स मुकम्मल कर ली अब बाबा हम इन नेक्स्ट वाली क्लास में अपना पहला टॉपिक तजीद के हवाले से शुरू करेंगे और इन शाला हर एक चीज़ आपको इन शाला बताई जाएगी तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में उस क्लास में शेयर कर दीजिए मिलता हूँ इन शक्स्ट अपिसोड में तब तक के लिए आप खुश रहें सलामत रहें अमन व हिफाजत में रहें और जिस किसी को भी ये नोट्स चाहिए होंगे वो वाट्सअप चैनल पर लाजमन हमें फॉलो करें आपको लिंक जो है ना वो इन कॉमेंट में पिन वाला नज़र आएगा उसमें लिंक होगी व्हाट्सएप की उस पर आप ज्वाइन करें इंशाल्लाह और आपको जो ये सारी टर्म्स आज लिखवाई गई हैं या इंशाल्लाह आपको फोटो की सूरत में वहां पर मिल जाएगी व वरहमत व बरकातहू जान जा, जान से भी प्यारा है जाने जा, जान से भी प्यारा है रहनुमा मुस्तफा हमारा है रहनुमा